अच्छा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आज स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और जितने हमारे वो और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर थे वो सारे हमने कर लिए थे। आज के क्लास में हम न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का एक उसमें जो है एक और मेजर डिसऑर्डर है जो कि बहुत कॉमन है आजकल के बच्चों में, जैसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नेम से जानते हैं। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बेसिकली एक न्यूरो डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर है विच इज करेक्टराइज बाय डिफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, मतलब डिफरेंट लाइफ एरियाज में जो है ना इन चीज़ों में ये लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, और इसके साथ साथ सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन के साथ साथ इनके एक और क्राइटेरिया होती है जैसे हम वो कहते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर। ठीक है, जैसे हम स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर भी कहते हैं। ठीक है, तो सोशल कम्युनिकेशन के साथ साथ इनके रिपीटेटिव बिहेवियर भी कुछ होते हैं जिसकी वजह से हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस इनके जो है डायग्नोसिस बिहेवियर सर लाइक रोबोट लाइक लैंग्वेज इसी तरह सर वो जो दो बार बार कहते हैं बिल्कुल वो इकुलेरिया वगैरह साउंड्स भी उसमें आ जाते हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर में जो है इनके मोटर मूवमेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, लाइक मैनी थिंग्स इट कैन कवर, लाइक साउंड वगैरह हो गए हैं, इनके एक्शंस हो गए हैं। ठीक है, इनके कुछ बिहेवियर हो गए हैं। ठीक है, तो रिपीटेशन में कुछ भी आ सकता है बट आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये चीज ये रिपीटेडली कर रहा है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट हम जो है फोकस करेंगे क्राइटेरिया ए पे। ठीक है, तो क्राइटेरिया ए में जो है ना बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मीन कंटिन्यूस डिफिसिट्स। ठीक है, डिफिसिट्स मीन इम्पेयरमेंट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल सोशल इंटरेक्शन अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया ए है वो हमारे पास कम्युनिकेशन एंड सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन के रिलेटेड है, एंड जो क्राइटेरिया बी है उसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर इंटरेस्ट और एक्टिविटीज होंगे। ठीक है, तो ये दो मेजर क्राइटेरियाज है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जिसे आपने माइंड में रख के डायग्नोस करना होता है। ठीक है, बाकी तीन भी है लेकिन ये दो क्राइटेरिया मेजर है। अच्छा, इसमें जो है ना फिर सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब क्राइटेरिया ए में कहते हैं कि परसिस्टेंट डिफिसिट्स इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट मतलब लाइफ के डिफरेंट एरियाज में। ठीक है, मतलब घर में हो, बाहर हो, स्कूल में हो, प्ले ग्राउंड में हो। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ते हैं। ठीक है, एज मैनिफेस्ट बाई द फॉलोइंग, मैनिफेस्ट मीन करेक्टराइज बाई द फॉलोइंग करंटली और बाई हिस्ट्री, वेदर यू आर ऑब्जर्विंग और वेदर यू आर टेकिंग हिस्ट्री फ्रॉम द किड या फ्रॉम द चाइल्ड पेरेंट्स। ठीक है, तो इसमें आ जाती है डिफिसिट्स इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी को जानते हैं? नो सर। रेसिप्रोसिटी आप लोगों ने नहीं पढ़ी थी? सर याद तो नहीं। रेसिप्रोसिटी मीन बैक एंड फोर्थ जो इंटरेक्शन होती है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मतलब आप किसी को कहते हैं हाय हेलो तो दूसरा भी जो है ना वो रिएक्ट करता है, तो ये क्या है, बैक एंड फोर्थ इंटरेक्शन है, रेसिप्रोसिटी है। ठीक है, आप हाय के साथ स्माइल पास करते हैं तो ये क्या हो गया है, आपके सोशल के साथ आपकी इमोशनल भी कनेक्ट हो गए हैं। रिस्पॉन्स में आपको जो है ना वो भी हाय हेलो कहते हैं, उसके साथ स्माइल पास करता है या और इमोशनल एक्सप्रेशन उसके साथ होते हैं, तो ये क्या है, ये बैक एंड फोर्थ इंटरेक्शन होते हैं सोशल इमोशनल। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके क्राइटेरिया ए के अंडर जो सब पॉइंट्स है उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डिफिसिट्स इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी। ठीक है, मतलब आप एक तरह के इमोशंस और सोशल इंटरेक्शन अपनी तरफ से पास करते हैं उस जो बंदा ऑटिज्म से जो है वो कर रहा हो।
सफर कर रहा हो, उसके रिस्पांस जो है या तो बिल्कुल ऑपोजिट होगी या बिल्कुल आपको रिस्पांस मिलेगी नहीं, नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, कि कितने हद तक हम इसे कितने कौन से रेंज में ये बेसिकली आते हैं, ठीक है। तो अब ये रेंज करते हैं फ्रॉम एबनॉर्मल सोशल अप्रोच, इनकी जो सोशल अप्रोच होते हैं दैट इज टोटली एबनॉर्मल, ठीक है, एंड फेलियर ऑफ नॉर्मल बैक फोर्थ कन्वर्सेशन। बैक फोर्थ मतलब कन्वर्सेशन स्टार्टअप जो होता है, मतलब आप बात करते हैं, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, मैं बात करता हूँ, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, तो दिस इज बेसिकली बैक फोर्थ कन्वर्सेशन, ठीक है। तो इनमें जो है ना, एक तो ये होता है कि टोटली एबनॉर्मल सोशल अप्रोच होता है इनका, ठीक है, ऑटिज्म वालों का, एंड इनके जो बैक फुट कन्वर्सेशन है दैट इज टोटली फेलियर, दे आर अनेबल टू स्टार्ट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन लाइक नॉर्मल पीपल, ठीक है। अच्छा, सेकंड इसमें क्या है, टू रिड्यूस शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट, दे हैव लैक इंटरेस्ट इन starting a conversation with other people, like ये लोग दूसरों से बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते, ठीक है। दे हैव रिड्यूस शेयरिंग ऑफ इमोशन एंड अफेक्ट, इमोशन एंड फीलिंग्स जो है वो टोटली ब्लंट होती है, रिड्यूस होती है, ठीक है। दूसरों से बात करने में जो है ना बिल्कुल इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता और ना इनकी फीलिंग्स और इमोशन उसके रिलेट होते हैं, ठीक है। failure to initiate or response to social interaction, they have total failure to initiate a conversation or respond during the conversation, theek hai, point clear hai? Yes sir. Acha, criteria a mein point 2 pe kya kehte hain, डिफिसिट्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर आप लोगों को पता है जो हमारे पोस्चर, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह है, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर। जी सर, स्माइल, हाथ से ये वो। हाँ, तो सेकंड ये है कि इसमें प्रॉब्लम आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर में, ठीक है, डिफिसिट्स आ जाते हैं जो कि हम सोशल इंटरेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या एग्जाम्पल दी हुई है, लाइक poorly integrated verbal and non-verbal communication, जो verbal and non-verbal communication, like जाहिरी बात है जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें verbal and non-verbal communication हम दोनों को combine करके बात कर रहे होते हैं, like जब अब for example मैं आप लोग क्लास में समझा रहा हूँ, साथ में हाथ भी हिला रहा हूँ, साथ में मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी है, तो वर्बल के साथ मेरे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कंबाइन हुए हैं। तो यहाँ पे इनकी जो इंटीग्रेशन ऑफ दीज बोथ लैंग्वेज है वो बिल्कुल टोटली फेलियर होता है, मतलब बात इनकी कोई और होती है, इनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कुछ और होती है, ठीक है। अच्छा, इनकी जो है ना बिल्कुल टोटली पोअर आई कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है, मीन दे आर अनेबल टू मेंटेन देयर आई कॉन्टेक्ट विद द पर्सन जो उनसे बात करना चाह रहा हो, ठीक है। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल लाइक अजीब गरीब किस्म की होती है, व्हेनेवर यू वांट टू टॉक देम, एंड डिफिसिट्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ गेस्चर्स, जो गेस्चर्स वगैरह होते हैं ड्यूरिंग कन्वर्सेशन दे आर अनेबल टू मेट देम, ठीक है, टू अ टोटल लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड में बात कहाँ चली जाती है, टू अ टोटल लैक ऑफ इनके कोई फेशियल एक्सप्रेशन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन नहीं होती अगर बात करना स्टार्ट भी करे, एंड इट इज पॉसिबल टू हैव टोटल लैक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वालों की बात हो रही है, जब माइल्ड टू, बट दीज सिम्टम्स कैन वेरी बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इंटेंसिटी, फ्रॉम लाइक माइल्ड की कुछ और सिम्टम्स होंगे, मॉडरेट की उससे ज्यादा होंगे, सीवियर में फिर जो एक्सट्रीम किस्म की जो इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी होती है सिम्टम्स के, फ्रॉम दैट बेसिकली द चिल्ड्रन इज सफरिंग, ठीक है। पॉइंट टू क्लियर है? यस सर। जी सर। पॉइंट थ्री की तरफ आते हैं, डिफिसिट्स इन डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, दैट्स मीन इनको रिलेशनशिप बनाने में भी काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो वो ये बच्चे जब बड़े भी हो जाते हैं, दे आर अनेबल टू डिवेलप रिलेशनशिप, दे आर अनेबल टू मेंटेन रिलेशनशिप, एंड दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल में क्या है, फ्रॉम डिफिकल्टी एडजस्टिंग बिहेवियर टू सूट वेरियस सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डिफरेंट हमारे लाइफ के डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट है ना, तो हर सोशल कॉन्टेक्स्ट में हमारा
बिहेवियर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है. तो सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर अनएबल टू एडजस्ट देयर बिहेवियर टू वेरियस काइंड ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, to difficulties in sharing imaginative play or in making friends. अच्छा, जो हम जब बच्चे होते थे या आप लोग अभी भी जब बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं तो बच्चे अक्सर अपने साथ अकेले लगे होते हैं, अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाए होते हैं ख्याली दुनिया में, ठीक है, एक इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाए होते हैं, उनके साथ खेल रहे होते हैं, अपने साथ बात भी कर रहे होते हैं, ठीक है. तो सच पीपल हैव डिफिकल्टी इन मेकिंग या जो इमेजिनेटिव प्ले होते हैं उसमें जो है ना बेसिकली इनकी इनको जो है ना काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही होती है, ठीक है. एंड मेकिंग फ्रेंड, दूसरों के साथ फ्रेंडशिप करना वगैरह में भी जो है ना काफ़ी इनको प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में क्या कहा है दैट दे आर अनएबल टू या दे हैव डिफिसिट्स इन डिवेलपिंग मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, ठीक है. अच्छा, टू एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट इन पीयर्स. अच्छा, सच पीपल विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दे टेक लिटिल इंटरेस्ट या बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होता उनके अपने एज मेट के लोगों में या जो उनके क्लास फेलोज होते हैं उनमें, ठीक है. ये तीन क्राइटेरिया क्लियर है, क्राइटेरिया ए के. जी सर, थैंक यू. अच्छा, अब ये स्पेसिफिक करंट सेवियरिटी जो है ना, ये क्राइटेरिया ए के लिए भी है, ये क्राइटेरिया बी के लिए भी है, ठीक है. दैट सेवियरिटी किस चीज पे बेस करता है, ऑन सोशल कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर पे, ठीक है. अच्छा, अब क्राइटेरिया बी पे आ जाते हैं. इसके तो है वैसे टोटल 5 क्राइटेरियाज है, लेकिन इसके जो फर्स्ट 2 क्राइटेरियाज है उसमें सारा वो कमाल है, उसके बेस पे जो है ना आप सारी डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है. क्राइटेरिया बी में कहते हैं दैट दे हैव रिस्ट्रिक्टेड, मतलब स्ट्रिक्ट किस्म के जो है एक रिजिड फॉर्म जो कि अनचेंजेबल होते हैं, रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स, बार बार रिपीट करना, रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स जो है, इनके बिहेवियर्स हो सकते हैं, रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट इनका हो सकता है एंड रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज हो सकती है, ठीक है. अब क्राइटेरिया ए में जो है ना, क्राइटेरिया बी में जो है ना 4 सब पॉइंट्स हैं, सब क्राइटेरियाज हैं, ठीक है. तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, एक बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के साथ डायग्नोस करने के लिए एटलीस्ट 2 मस्ट होने चाहिए, ठीक है. वेदर वो आप खुद जाके ऑब्जर्व करें ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग या फिर जाके उनके पेरेंट्स से पूछ के पहले सर, कभी. हाँ सर, आपने कहा कि 2 मस्ट होना चाहिए, 2 क्या होना चाहिए? ये नीचे जो पॉइंट है ना क्राइटेरिया बी में सब पॉइंट्स, इनमें से 2 पॉइंट्स मस्ट होना चाहिए. हाँ बिल्कुल. एक मिनट, ये क्राइटेरिया ए में कुछ इस तरह है, क्राइटेरिया में ए में जो है ना इस तरह कुछ नहीं है, ठीक है. वो जो है ना आपको इजीली सब कुछ, ये 3 पॉइंट जब आपके माइंड में हो तो आप इसके बेस पे जो है ना क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं उनके पेरेंट्स से या खुद ऑब्जर्व करते हैं. बट क्राइटेरिया बी में जो है ना मस्ट 2 सब पॉइंट्स होने चाहिए, और जो बच्चा ऑटिज्म के साथ होना तो वो 2 पॉइंट्स क्या, उनमें 3-4 भी आ जाते हैं, फिर इजीली आपको पता लग जाता है, ठीक है. बट डायग्नोसिस के लिए एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग मस्ट होने चाहिए, ठीक है. बेसिकली वो करैक्टराइज कर रहा होता है क्राइटेरिया बी को इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है. अच्छा, इसमें जो है ना अब फर्स्ट पॉइंट है स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप मीन रिपीटेटिव एक्शंस, ठीक है. स्टीरियोटाइप और रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट्स होती है इनकी, ठीक है. स्टीरियोटाइप मीन रिपीटेडली आप जब एक काम कर रहे होते हैं बार बार, ठीक है. तो क्या होता है इनके इनके जो है ना रिपीटेटिव एक्शन होते हैं, लेकिन वो एबनॉर्मल किस्म के होते हैं बेसिकली, ठीक है. तो स्टीरियोटाइप और रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट्स, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और स्पीच, ठीक है. तो रिपीटेटिव में सिर्फ जो है ना एक्शंस नहीं आएंगे, ठीक है, लाइक मोटर मूवमेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें रिपीटेटिवली यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसमें रिपीटेटिवली यूज रिपीटेटिवली लाइक लैंग्वेज स्पीच भी हो सकती है, ठीक है. अच्छा, अब इसमें जो है ना जो इन्होंने फॉर एग्जांपल एग्जांपल दी हुई है, तो उसमें है सिंपल मोटर जो है जो आपकी जो
मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है, मतलब फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है, उसकी जो है ना लाइक बार बार रिपीटेटिव मूवमेंट्स जो होती हैं, मतलब जो एक्शंस आपके होते हैं उसके रिलेटेड मोटर स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, लाइनिंग अप टॉयज, मतलब बार बार टॉयज के साथ जब खेल रहा है तो उसके जो है उसको जो है ना बार बार एक लाइन रिजिड फॉर्म में जो है, एक रिजिड फॉर्म होती है ना, परफेक्शनिज्म होती है, बार बार उसे जो है ना लाइन अप करना, ठीक है। या फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट्स, फ्लिपिंग को जानते हैं, यू मैच्योर मोड ना, ये सर बार बार जो है ना ऑब्जेक्ट्स को घुमाना, फ्लिपिंग घुमाने को कहते हैं, ठीक है। तो या तो लाइनिंग टॉयज को जो है ना बार बार एक लाइन में करते हैं, या उसको जो है ना घुमाने में लगे होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। इक्विलेरिया की पॉसिबिलिटी होती है, इक्विलेरिया मीन रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, लाइक तोते की तरह हर टाइम लगे होते हैं, एक वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। एंड आइडियोसिंक्रेटिक फ्रेसेस को जानते हैं? No, sir. No, sir. आइडियो आपके पास होगी, गूगल भी आपके पास है। आइडियोसिंक्रेटिक फ्रेसेस उसे कहते हैं लाइक ऐसी फ्रेसेस बनाना जो कि उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, बट आपके लिए वो वर्ड्स, वो अल्फाज अंडरस्टैंडेबल ना हो, ठीक है। ये आइडियोसिंक्रेटिक फ्रेसेस है जो कि उस बीमार बंदे के लिए जो कि ऑटिस्टिक बच्चा है, वो एक ऐसे अल्फाज बनाता है, एक ऐसे फ्रेजेस बनाता है जो कि नॉर्मल पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, कि ये क्या कह रहा है, और वो चीज सिर्फ उसके लिए, वो फ्रेजेस उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है। ये इसे हम आइडियोसिंक्रेटिक फ्रेजेस कहते हैं। अच्छा, अब फिर सेकंड फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्राइटेरिया बी में? यस सर। अच्छा, क्राइटेरिया बी में अब सेकंड सब क्राइटेरिया है insistence on sameness, ठीक है, insistent mean continuation, persistent, ठीक है, insistent on sameness, inflexible adherence to routine, ठीक है, inflexible adherence mean जो stubborn बच्चे होते हैं, मतलब they are unable to change their routine, बस एक ही चीज को जो है ना रेगुलरली फॉलो कर रहे होते हैं, एक ही रूटीन को, एक ही टाइम पे वही काम करना, हर दिन वही ऑब्जेक्ट यूज करना, वही स्पीच, वही मोटर मूवमेंट्स, ठीक है। इंसिस्टेंट ऑन सेमनेस मतलब बार बार उनकी जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना हर दिन, ठीक है। और रिचुलाइज्ड पैटर्न ऑफ वर्बल and or non-verbal behavior, ritualized pattern mean organized pattern of verbal or non-verbal, ek strip kism ka, ek rigid kism ka jo pattern of verbal and non-verbal behavior hota hai, us pe bas inki jo hai na flexibility koi nahi hoti, bas usse har din jo hai usi taraf follow kar rahe hote hain, theek hai, matlab ab inne example liya hua hai extreme distress at small changes, theek hai, ab ये रिजिड पैटर्न या रिजिड रूटीन ये बच्चे फॉलो कर रहे हैं, तो इस रिजिड पैटर्न या रूटीन में थोड़ी सी भी चेंजेस आ जाती है ना, तो इनकी हालत फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, दे बिकम वेरी डिस्ट्रेस, दे बिकम इवन वेरी एग्रेसिव, जिसके वजह से जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह इर्द गिर्द अगर लोग हो तो उनको पे भी अटैक कर सकते हैं या चीजें तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम डिस्ट्रेस स्टार्ट हो सकता है एट स्मॉल चेंजेस। अच्छा सर, ये स्ट्रेस में भी नहीं चढ़ सकते ना? नहीं, हो सकता है सब कुछ, लाइक उनको जो है ना कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती, जस्ट लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को जिस तरह प्रॉब्लम होती है ना, लाइक उसके साथ तो फिजिकल थोड़ा सा है, लेकिन ऑटिज्म में जो है ना इस तरह कोई वो नहीं है, दे हैव नो फिजिकल इश्यूज, ठीक है। अच्छा, डिफिकल्टीज विद ट्रांजिशन, ट्रांजिशंस मीन चेंज होना, ठीक है। तो जब इनकी रूटीन में कोई चेंजेस, लाइक इनको लगे कि चेंजेस आ रही हैं, तो दे आर अनेबल, दे फील डिफिकल्टी टू चेंज देमसेल्फ विद इट, ठीक है। अच्छा, इनके जो थिंकिंग पैटर्न होते हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड किस्म के होते हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती ही नहीं है, ठीक है, दे आर अनेबल टू चेंज, ठीक है। अच्छा, नीड टू टेक सेम रूट मतलब एक ही रूटीन को बार बार हर दिन फॉलो करना, और ईट सेम फूड एवरी डे, इवन जो उनका खुराक है वो भी सेम होता है हर दिन,
ठीक है, वही डिमांड कर रहे होते हैं। इवन उन्हें जो है ना, अगर उसके अलावा कोई और फूड प्रोवाइड किया जाता है तो उसकी वजह से भी जो है ना इन्हें डिस्ट्रेस स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट है हाईली रिस्ट्रिक्टेड और फिक्सेटेड इंटरेस्ट। ठीक है, इनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली रिस्ट्रिक्टेड, मतलब लिमिटेड, लाइक एक चीज के रिलेटेड जो है इनकी वो होती है रिस्ट्रिक्शंस होती है। ठीक है, और वो इंटरेस्ट इस तरह होता है कि उस पर जो है ना बस कायम रहते हैं, मतलब रिजिड फॉर्म में होते हैं, दे आर अनएबल टू चेंज टू अदर ऑब्जेक्ट्स टू अदर थिंग्स। ठीक है, अच्छा, ये इंटरेस्ट जो होता है दैट आर एबनॉर्मल इन इंटेंसिटी, ठीक है, और फोकस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू और प्री ऑक्यूपेशन विद अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इनके जो है ना बेसिकली अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ काफी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहती है, या उस अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड ये बच्चे प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, मतलब प्री ऑक्यूपाइड मतलब उसके रिलेटेड हर टाइम सोच में रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सरकमस्क्राइब का मैं लिखा हुआ है, तो सरकमस्क्राइब क्या है, एक्सेसिवली सरकमस्क्राइब इंटरेस्ट, इन्होंने एग्जांपल दिया है, तो सरकमस्क्राइब कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, इनकी जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट होती है वो एक्सेसिवली रिस्ट्रिक्टेड इन नेचर होती है, दे आर अनएबल टू चेंज। ठीक है, हाइपर, फोर्थ पॉइंट है हाइपर और हाइपो रिएक्टिविटी। अच्छा, हाइपर और हाइपो रिएक्टिविटी इनकी होती है टू सेंसरी इनपुट और अनयूजुअल इंटरेस्ट इन सेंसरी एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जांपल मैं इस तरह दे देता हूँ, समटाइम इस तरह होता है कि अगर आप लोग इनको जो है किसी जोरदार चीज से भी मारें तो दे विल बी अनएबल टू रिएक्ट। ठीक है, बट समटाइम अगर आप सिर्फ हाथ भी उनके साथ लगाएं तो बिल्कुल ऐसे वो शोर शराबा स्टार्ट कर लेंगे ना कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि मैंने तो इसके साथ कुछ किया भी नहीं है। ठीक है, तो सम टाइम क्या होता है, इनकी एग्जांपल दिया हुआ है दैट एपरेंट इनडिफरेंस टू पेन और टेम्परेचर। ठीक है, मतलब अगर बहुत सारे ज्यादा गर्मी भी हो तो दे विल बी अनएबल टू फील इट, बट अगर नॉर्मल भी हो तो दे विल रिएक्ट मोरली। ठीक है, एडवर्स रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक साउंड्स और टेक्सचर, सम साउंड्स आर रियली प्रॉब्लमेटिक, उसके रिलेटेड इनकी कोई रिस्पॉन्स नहीं होगी, बट जो नॉर्मल साउंड होगा उसके रिलेटेड ये लोग काफी ज्यादा रिएक्ट करते हैं। एक्सेसिव स्मेलिंग और टचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छा, इनमें जो स्मेलिंग और टचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट होती है ना ये बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीजों को स्मेल करते हैं, इवन ऑब्जेक्ट्स को अगर चल भी रहे होते हैं ना तो इनमें ये आदत होती है कि ये ऑब्जेक्ट्स को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, visual fascination with light or movement, fascination कहते हैं attraction। ठीक है, तो इनमें जो है ना visual attraction काफी ज्यादा होती है with bright lights। ठीक है, especially blue हो गया है, red हो गया है, तो वो इनमें जो है ना ये attraction काफी ज्यादा होती है, उस light की तरफ ये फिर जा रहे होते हैं। clear है criteria भी? yes sir। अच्छा, इसके बाद आता है सिम्टम क्राइटेरिया सी, सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। ठीक है, सिम्टम जो है इट मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड, बट तब तक हम जाके हम लाइक फुली मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब तक सोशल डिमांड जो है वो एक्सीड ना करे लिमिटेड कैपेसिटी को। ठीक है, मतलब विद एज टू एज आपकी जो सोशल डिमांड है वो ज्यादा होती जा रही होती है। ठीक है, तो जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की जो लिमिटेड कैपेसिटी है, सोशल डिमांड्स जब उसे क्रॉस कर देता है तो फिर जाके जो है ना आप क्या करते हैं, आप इजीली जाके करैक्टराइज कर लेते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के क्राइटेरिया को, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गो टुवर्ड्स द डायग्नोसिस। अच्छा, सिम्टम्स की वजह से जो है इट कॉज क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस in social, occupational and other important areas of functioning, symptoms the autism spectrum symptoms hai uski wajah se in areas mein problem aati hai social, occupational and other important areas of functioning. Theek hai, criteria e hai, these disturbances are not better explained by intellectual disability, like is disturbance ko jo hai hum
ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के बेस पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंटेलेक्चुअल एंड डिसेबिलिटी एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में फ्रीक्वेंटली अकर, दोनों एक साथ आ सकते हैं, ठीक है, दोनों की डायग्नोसिस। एंड टू मेक कंफर्मड डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सोशल कम्युनिकेशन शुड बी बिलो दैट एक्सपेक्टेड फॉर जनरल डेवलपमेंटल डिले, ठीक है। दोनों को साथ डायग्नोसिस के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि जो सोशल कम्युनिकेशन है वो मस्ट बिलो हो जनरल डेवलपमेंटल लेवल पे, ठीक है। मतलब जो हमारी नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही हो तो सोशल कम्युनिकेशन उसके बरअक्स उसके लेवल से कम होना चाहिए, ठीक है। मीन जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो एनवायरनमेंट या सोशल डिमांड आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, उससे उस बच्चे की सोशल कम्युनिकेशन कम होनी चाहिए, तब जाके जो है ना आप दोनों डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है डिफरेंट स्पेसिफायर्स है, ठीक है। आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को जो है with or without accompanying intellectual impairment भी specify कर सकते हैं, with or without accompanying language impairment भी diagnosis दे सकते हैं, but based on the history of child associated with a non-medical or genetic condition or environmental condition, if medical or genetic condition की वजह से या environmental factor की वजह से आ रहा हो तो आप ये वो दे सकते हैं स्पेसिफायर। अच्छा, एसोसिएटेड विद अनदर न्यूरोडेवलपमेंटल मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर, अगर इसकी इस तरह ये इन चीज़ों की वजह से जो है इनके साथ एसोसिएट कर रहा हो तो आप ये स्पेसिफायर दे सकते हैं। विद कैटाटोनिया, अगर इसके साथ एसोसिएशन हो रही है तो आप ये स्पेसिफायर देंगे। कैटाटोनिया जो है ना बेसिकली एक इकोलेलिया जो है बेसिकली कैटाटोनिया का एक सिम्टम है, ठीक है। ये आगे जाके हम स्किज़ोफ्रेनिया जिस चैप्टर में है उसमें पढ़ेंगे, और बेसिकली इट इज मेजर सिम्टम ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर कैटाटोनिया। उनमें साइकोटिक डिसऑर्डर जिनको होती है उनमें कैटाटोनिया ज्यादा होती है, ठीक है, स्पेशली कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में, ठीक है। अच्छा, ये टेबल है, ये kindly आप लोग खुद वो पढ़ लेंगे। इसमें जो है ना डिफरेंट लेवल्स दी हुई है, लेवल 1, 2 and 3, ठीक है, जिसमें जो है ना आपको सोशल कम्युनिकेशन एंड रिस्ट्रिक्टिव रिपीटेटिव बिहेवियर के बारे में बताया गया है, ठीक है। दैट लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 में बेसिकली क्या क्या चेंजेस आ सकती है, लाइक माइल्ड से मॉडरेट एंड मॉडरेट से सीवियर तक बच्चा जब जा रहा हो विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है, ठीक है। ये आप लोग काइंडली खुद पढ़ लीजिएगा ये टेबल, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में भी और इंडिविजुअली भी मुझसे फिर व्हाट्सएप में मैसेजेस में पूछ सकते हैं, ठीक है। वर्ड्स इतने मुश्किल नहीं है, आप लोग को समझ आ जाएगी, ठीक है। आप लोग का थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा रिलेटेड टू DSM, वैसे भी आप लोगों ने रीड आउट तो करना है अपना DSM फॉर योर एग्जाम्स वगैरह, क्विजेस वगैरह, तो बेटर कि आप लोग खुद भी थोड़ा सा कुछ टॉपिक इस तरह हो कि अगर आप खुद कवर करें अपने साइड से तो वो आप लोग के लिए भी थोड़ा सा वो होगा। एंड इस तरह ये भी है कि अगर आप मुश्किल अल्फाज हो तो आप लोग जो है ना उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके वोकैबुलरी में भी जो है ना वो हो सकता है, इजाफा हो सकता है रिलेटेड टू DSM, ठीक है। अब इसके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की प्रेवलेंस क्या है, लाइक कितने हद तक ये पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स रिपोर्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अक्रॉस US एंड नॉन US कंट्रीज हैव अप्रोच 1% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, अब रिसेंट ईयर्स जो रिपोर्ट्स वगैरह आए हैं तो उसमें बेसिकली जो रेशियो है ऑटिज्म का अराउंड द ग्लोब वो तकरीबन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन पहुंच गया है, ठीक है, विच सिमिलर एस्टिमेट्स इन चाइल्ड एंड एडल्ट सैंपल्स, ठीक है, चाइल्ड एंड एडल्ट बोथ सैंपल लेके ये 1% ऑफ द पॉपुलेशन का रिपोर्ट दिया गया है, ठीक है। मेन अब दुनिया में जो है पता नहीं बिलियन में लोग है कि मिलियन में है,
तो आप अगर उसका 1% भी ले रहे तो दैट इज टू मच, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है इट रिमेन्स अनक्लियर वेदर हायर रेट reflect an expansion of the diagnostic criteria of DSM-IV to include sub-threshold cases. अच्छा, एक पॉइंट अब इसकी ये हो सकती है कि ये जो इंक्रीज आई है केसेस में, तो वेदर ये अवेयरनेस की वजह से आई है जो कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-IV में दी गई थी, या इंक्रीज अवेयरनेस या डिफरेंस इन स्टडी मेथोडोलॉजी और ट्रू केस और ट्रू इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये एक प्रेडिक्शन थी कि इनका ये थी कि वेदर ये जो इंक्रीज आई है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की पॉपुलेशन में, वेदर ये जो क्राइटेरिया दी गई थी DSM-IV में उसकी इंक्रीज अवेयरनेस से आई है, या जो डिफरेंस मेथोडोलॉजी स्टडी यूज हुई है उसकी वजह से यह आई है, या वाकई में जो केसेस हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की वो इंक्रीज हुए हैं nowadays population में, ठीक है। क्योंकि ये लोग ये भी समझते थे कि like ये भी हो सकता है कि already population में काफी सारे लोग autism spectrum disorder से suffer कर रहे थे, but due to awareness of its criteria it gives them a clear picture that इस बंदे को जो symptoms है वो actually किसी और चीज की नहीं, autism spectrum disorder की है, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा अनक्लियर था उस टाइम। अच्छा, रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, ठीक है। अच्छा, जो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर को जानते हैं? नो सर। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जो बीमारी के बाद इंसान ठीक होता है उसे हम प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स कहते हैं, लाइक इलाज के साथ साथ क्या इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं, दैट इज एक्चुअली प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। अच्छा, जो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है फॉर इंडिविजुअल विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो उसमें जो है ना प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एसोसिएटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट की जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है, बोथ का मैं कह रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ एसोसिएटेड इंटेलेक्चुअल एंड लैंग्वेज एंड एडिशनल मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो इसमें जो है ना रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में जो है ना इन दोनों चीजों की जो है ना पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एसोसिएटेड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड लैंग्वेज इंपेयरमेंट एंड एडिशनल मेंटल हेल्थ, जिस तरह मैंने आपको कहा है कैटाटोनिया वगैरह या स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ये सारी चीजें इसके साथ पॉसिबिलिटी फिर हो सकती है ऑटिज्म में। अच्छा, फिर क्या कहते हैं इसके साथ अगर ऑटिज्म में देखें तो जो एपिलेप्सी है दैट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद ग्रेटर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लोअर वर्बल एबिलिटी, ठीक है। तो एपिलेप्सी का जो है ना ज्यादा रोल अगर आप लोग देखें तो दैट इज इन इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू ऑटिस्टिक, दे आर नॉट मच प्रोन टूवर्ड्स एपिलेप्सी एज कम्पेयर टू इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आ जाते हैं आपके जो एक मिनट, ये टाइम भी खत्म हो रहा है यार सर, आज के लिए बस नहीं है सर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है 12:30 को सर, तो ये स्लाइड्स तो कंप्लीट करने हैं ना, इसके बाद बस सिर्फ डिफरेंशियल है वो हो जाएंगे। खैर है, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, ये 5 स्लाइड्स ये भी कर लेते हैं, फिर आप 12:30 तक फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है सर। फिर दूसरा क्लास भी है सर, बंडल हो जाएंगे।